नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। अभी प्री बीएड प्री डीएलएड का एग्ज़ाम आएगा, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी से ही आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए आज हम इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है वो 90 से 110 के मध्य है, तो वह कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएगा? बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं, तो वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के मध्य है, मान लीजिए कोई बच्चा है और उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 100 है, तो वो आएगा सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के मध्य मतलब 90 से लेकर 110 के बीच में कोई भी आएगा तो वो आएगा सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, मतलब उसकी बुद्धि जो है वो मानी जाएगी सामान्य। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको इसको याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है वो लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चा है और उसकी हमें बुद्धि और विकास के अध्ययन करना है हमें, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। हार्वर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए लास्ट में कई बार ऐसा होता है हम नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं, तो इसमें से कौन सा है जो बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता है उनके अकॉर्डिंग? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का जो अधिमान निर्धारित किया है उसमें स्थान संबंधी बुद्धि आती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी है, भाषात्मक बुद्धि भी है, लेकिन भावात्मक बुद्धि नहीं आती। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो नहीं नहीं वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर में अगर क्वेश्चन में दिए गए नहीं है तो आपको पहले चुनना है ऑप्शन में से कि कौन सा है, फिर जो नहीं रहेगा वो पता चल जाएगा और जो नहीं है वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। एक बच्चा है और उसकी मानसिक आयु जो है वो 5 वर्ष है, और उसकी मानसिक आयु मतलब उसके मन की आयु 5 वर्ष है, और उसकी जो वास्तविक आयु है मतलब उम्र है वो 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो मानसिक आयु हम 5 लिखेंगे, 5 बटे कितना करेंगे? वास्तविक आयु 4, तो 5 बटे 4 गुना करेंगे गुना 100। तो वो 4 से इधर काटेंगे, 4 नीचे में है हर में, तो 4 एकम 4, और उधर से कटेगा 100 जो है 25 बार में कटेगा 4 से, तो यहाँ पे 5 है मानसिक आयु, और वहाँ से हम काटे तो 25 निकला, तो 5 गुना 25 करेंगे तो आएगा हमारा 125। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऐसे बहुत सारे कथन जो है मनोविज्ञान में बाल विकास में आते हैं कि ये कथन किसका है, ये किसने कहा था, या ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। तो ऐसे कथनों को भी आपको याद में रखना है। ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है?
बीएन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा है प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक है स्किनर, B.F. स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी अक्षरों को प्रायः बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी के जो अक्षर होते हैं उसको बच्चे किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो हिंदी के अक्षरों को बालक जो है 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे लिखा है एलेक्या, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे रहेगा एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है, मतलब एलेक्सिया जो है एक अक्षमता है, तो किससे संबंधित वो अक्षमता है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? तो एलेक्सिया जो है वो है पढ़ने की अक्षमता, ऐसे ही लिखने की अक्षमता भी है, गणित जिनको समझ में नहीं आता है उससे संबंधित भी अक्षमता है, सुनने की अक्षमता। मनोविज्ञान में ये क्वेश्चन एक नंबर का इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, TET में भी पूछा जाता है और जो प्री-बीएड प्री-डीएड का एग्ज़ाम होता है उससे भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे ने 4 अवस्थाएँ बताई है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक सबसे लास्ट, मतलब 11 से 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बालक जब गर्भ में होता है अपनी माता के, तो उसको विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460 दिन? ये क्वेश्चन भी अधिकतर बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है। तो दिन लगता है 280 दिन, और अगर सप्ताह की बात करें तो लगता है, 280 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 × 7 और 7 × 28, तो 40 सप्ताह का समय लगता है। सप्ताह भी आपको याद रखना है 40 सप्ताह, और दिन आपको याद रखना है 280 दिन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।